खुशियाँ तारीख नहीं तकदीर लेकर आती हैं, जिसे कोई भी नहीं बदल सकता। जी हाँ दोस्तों, खुशी भगवान का दिया हुआ एक ऐसा अनमोल तोहफा है जो हमें यह सिखाता है, हमें यह टीच करता है कि हमें आज में जीकर अपनी खुशियों को पूर्ण रूप से जीना चाहिए। ये सोचकर नहीं कि कल क्या होगा, कल क्या होगा इस बात को लेकर आप आज को क्यों गवा रहे हैं। इसलिए खुशियों को आज जिए, कल क्या होगा उसको भगवान पर छोड़ दीजिए। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आपका जस्ट लर्न के एक नए MCQ पे, जिसमें हम आपके लिए आज फिर से लेकर आए हैं देश और दुनिया की वो तमाम खबरें जो आपके लिए आपके आगामी आने वाले परीक्षा में बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों आज के हम MCQ में करंट अफेयर्स के फिर से आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। लेकिन उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और विद्यार्थी और परीक्षार्थी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आपका आज का पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस दक्षिण भारत मंदिर को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? और आपके ऑप्शन है मीनाक्षी मंदिर मदुरै, यदागिरी गुट्टा मंदिर तेलंगाना, सबरीमाला मंदिर केरला, तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश। और इसका सही उत्तर है बी, यदागिरी गुट्टा मंदिर तेलंगाना। जी हाँ दोस्तों, यदागिरी गुट्टा मंदिर तेलंगाना में अवस्थित है, जिसे अभी हाल ही में ISO प्रमाण पत्र दिया गया है। आपका आज का दूसरा प्रश्न है, ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। और इसका सही उत्तर है बी ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन महानदी मिशन ओडिशा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य महानदी की सफाई के साथ साथ महानदी के दोनों तरफ वाली जगहों में बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को संघनित करने के हेतु यह मिशन सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास पिच ब्लैक 2018 किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है या किया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। और इसका सही उत्तर है बी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पिच ब्लैक वायुसैनिक एक व्यापारिक अभ्यास है, जो कि ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के वायु सैनिकों द्वारा चालू किया गया है या शुरू किया जाता है, जिसके तहत 100 से ज़्यादा मिसाइलों या लड़ाकू विमानों का परीक्षण किया जाता है, जिसके तहत अमेरिका, जापान, रूस जैसे जो बड़े देश हैं वो अपने विमानों को इस अभ्यास के जरिए परीक्षण करते हैं। इस बार के इस अभ्यास में भारत पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है और इसके तहत भारत अपने सबसे बड़े परीक्षण के लिए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान को भेजा है इस परीक्षण के लिए। आपका अगला प्रश्न है, संसद द्वारा पारित किए गए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 के तहत रिश्वत देने वाले को भी कितने साल कैद का प्रावधान किया है? आपके ऑप्शन है 2 से 4 साल, 3 से 4 साल, 4 से 7 साल और 3 से 7 साल। और इसका सही उत्तर है डी 3 से 7 साल। जी हाँ दोस्तों, संसद द्वारा जो अभी में भ्रष्टाचार संशोधन विधेयक पारित किया गया है, उसके तहत जो रिश्वत लेगा उसे भी और जो रिश्वत देगा उसे भी 3 से 7 साल तक की कैद का प्रावधान किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी सूर्य के अध्ययन के लिए पार्कर सोलर प्रोब मिशन को लॉन्च करने जा रही है? आपके ऑप्शन है नासा, इसरो, रास कॉस्मॉस, CSA कनाडा। और आपका सही उत्तर है ए
नासा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा सूर्य के निकटतम अध्ययन के लिए पार्कल सोलर प्रोब मिशन को लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी वो लॉन्चिंग अगस्त के फर्स्ट वीक में करेगा, जो कि सूर्य के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जाकर सूर्य के बारे में जानकारी जुटाएगा। आपको बता दें, यह जो मिशन होगा वो पहला ऐसा मिशन है जो और पहला ऐसा ये यान होगा जो सूर्य के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक जाकर वहाँ के बारे में जानकारी जुटाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सफ़र क्या है? आपके ऑप्शन है ए रेलवे से जुड़ा एप्लीकेशन, बी निर्वाचन आयोग से जुड़ा एप्लीकेशन, सी वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की एक प्रणाली, डी स्वास्थ्य संबंधी एप्लीकेशन। और इसका सही उत्तर है सी वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की एक प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, सफ़र जिसका नाम है सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, सफ़र का यह पूरा नाम है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। यह सफ़र का पूरा नाम है जो कि वायु गुणवत्ता और मौसम की पूर्वानुमान के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यह स्टार्टिंग में प्रारंभ में दिल्ली, चेन्नई, मद्रास जैसे बड़े महानगरों में चालू किया जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का 10वां शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है डरबन, जोहानसबर्ग, केप टाउन, प्रिटोरिया। इसका सही उत्तर है बी जोहानसबर्ग, साउथ अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, ब्रिक्स का जो 10वां शिखर सम्मेलन 2018 है वह जोहानसबर्ग में आयोजित किया जा रहा है। आपको ब्रिक्स के बारे में मैं बता देता हूँ कि ब्रिक्स 5 देशों ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे डेवलपिंग कंट्री का एक संगठन है, जिसका गठन 2006 में किया गया था। और जब 2006 में इसका गठन किया गया था तो इसमें सिर्फ 4 डेवलपिंग कंट्री थी, ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। और इसकी पहली बैठक 2009 में की गई थी, उसके बाद इसकी जब दूसरी बैठक 2010 में की गई थी तो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया। और 2011 के जो समिट की हुई थी ब्रिक्स की, उसमें साउथ अफ्रीका पहली बार इस सम्मेलन में शामिल हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, COP24 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC 2018 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है रियो डी जिनेरियो, बी मैक्सिको, सी न्यूयॉर्क और डी काटोवाइस। और इसका सही उत्तर है डी काटोवाइस। जी हाँ दोस्तों, COP24 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 2018 में सम्मेलन होने वाला है वो दिसंबर में होने वाला है। यह काटोवाइस पोलैंड का एक शहर है, वहाँ आयोजित किया जाने वाला है। COP24 मीन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आपको बता दें, UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी अवधारणा 1992 में पृथ्वी सम्मेलन रियो में ली गई थी, उसके बाद 1994 में इसे पारित कर दिया गया था और यह तब से लागू भी हो गया है। तो UNFCCC की जो पहली बैठक हुई थी, जिसे COP1 के नाम से जानते हैं, उसे जर्मनी में 1995 में शुरू की गई थी, आयोजित की गई थी। और उसी का COP24 2018 में काटोवाइस पोलैंड में आयोजित किया जा रहा है। यह एक क्लाइमेटिक चेंज के लिए हो रहे, क्लाइमेट में हो रहे बदलाव के लिए डेवलपिंग कंट्री और जो डेवलप्ड कंट्री है उनकी बैठक का एक तरीका है। आपका अगला प्रश्न है, फ्यूचर ऑफ इंडिया किस RBI गवर्नर की पुस्तक है? आपके ऑप्शन है बिमल जलान, डी सुब्बा राव, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। और इसका सही उत्तर है ए बिमल जलान। जी हाँ दोस्तों, हमारे पूर्व RBI गवर्नर बिमल जलान की पुस्तक फ्यूचर ऑफ इंडिया है, इन्होंने भारत के भविष्य के बारे में इस पुस्तक में लिखा है तथा भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी ये इस पुस्तक में बताया गया है। आपका आज का आखिरी प्रश्न है कि नमामि गंगे के तहत शुरू किए गए कार्यक्रम पौधारोपण अभियान में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? और आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। और इसका सही उत्तर है बी
हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के ऊपर पड़ता है, तो नदी जो गंगा है वो ऊपर की ओर तो जाएगी नहीं, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर है। तो पौधारोपण अभियान जो केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे तक चला गया है, उसके तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्य हैं इसमें गंगा नदी के किनारों पर पौधारोपण किया जाएगा और बायोडायवर्सिटी को बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का ये करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर पसंद आएगा, और मैं आपको ये पूर्ण रूप से आश्वस्त करता हूँ कि आपकी ये जो प्रश्न है, मैं ये प्रश्न आपको चुनकर आपके लिए लेकर आता हूँ, वो फालतू क्वेश्चन आपके लिए नहीं लेकर आता हूँ जो बाकी यूट्यूब के चैनल पर पेश किया जाता है। तो इन वीडियो के जरिए आपको जो प्रश्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ें, और उन्हें चाहे तो आप डाउनलोड करके इस वीडियो को अच्छे से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आप अपने कमेंट्स कि हम इस वीडियो को और कितना अच्छा बना सकते हैं या कितना अच्छा आपके सामने पेश कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, और आपका एक लाइक हमें खुशी देता है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया। तो दोस्तों अपनी ज़िंदगी को खुशियों के साथ जीते रहिए, और करिए कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे आपको सलाम, इसी वादे के साथ कि कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।